तो गाइस क्या रविंदर बग्गा यानी दिलजीत के पति और जानवी के मौत के पीछे शक्ति का हाथ था, क्योंकि रविंदर के प्रॉपर्टी को शक्ति लेना चाहता था। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आइए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आप भी हो तेरे यार हूँ मैं और सब टीवी फैन और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो फन टीवी सीरियल्स को ऐसे ही तेरे यार हूं मैं से रिलेटेड अपडेट के लिए। तो जब भी हमें जानवी और रविंदर की एक्सीडेंट की वो वाला सीन दिखाया जाता है तो हमें हर वक्त ही जानवी के व्यू से दिखाया जाता है, यानी जानवी फोन पे बात कर रही थी और इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। लेकिन गाइस हमें कभी रविंदर के एंगल से नहीं दिखाया गया है कि जब रविंदर क्या कर रहा था और जानवी फोन पे बात कर रही थी, पर रविंदर तो तब ब्रेक लगा ही सकता था। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है और मुझे नहीं लगता है कि शक्ति और रविंदर के संबंध ठीक था। और हो सकता है कि ये बात दलजीत को भी नहीं पता क्योंकि रविंदर ने उसे कभी पता ही नहीं चलने दिया। तो गाइस मेरे हिसाब से रविंदर की मौत के पीछे शक्ति का हाथ था। हो सकता है कि शक्ति ने कार का ब्रेक फेल करवा दिया था या फिर रविंदर को कुछ पिला दिया था, पर किसी न किसी तरह शक्ति का ही इसमें हाथ था, वरना उसे अचानक क्यों लालच पैदा हुई प्रॉपर्टी के लिए। ये अचानक नहीं हो सकता, मुझे लगता है उसे पहले से ही प्रॉपर्टी के लिए लालच था और उसने ही रविंदर की एक्सीडेंट करवाया था। और गाइस रविंदर को हमें सिर्फ फोटो में ही दिखाया गया है लेकिन रविंदर की भी शूटिंग हुई थी और इसका रोल मनु मलिक ने प्ले किया था। और गाइस ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है, कोई कॉन्फर्म नहीं है, आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताना। और अगर आप मुझसे एग्री करते हो और आपको भी ऐसा ही लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके बताना। मिलेंगे किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय।